फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से एक नया ब्लॉग पे आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग है उड़ीसा में है, उड़ीसा बांगड़ीपुसी घाटी पार करके यहाँ बिसोई के पास यहाँ नाश्ता करने रुके थे। यहाँ पीछे दुकान है, वहाँ पे रुके थे नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता हो गया, अभी गाड़ी छोड़ेंगे यहाँ से। निकलेंगे अभी यहाँ से। हो गया, निकलेंगे अभी वहीं पे। पिछला डिप जहाँ से लोड किया था वहीं से लोडिंग होगा। डिबा डाना नहीं, मेरा हेल्पर जो है, मालिक का जो साले साहब है, वो हम लोग का यहाँ पे तो नाश्ते में हम लोग यहाँ इसको मुड़ी बोलते हैं, और इसको राइस को उसको सुखा के उसको आग में उसको तल के उसको बनाया जाता है। तो हमारे बंगाल में यही खाना चलता है सुबह नाश्ते का टाइम। तो उसी का जो डब्बा है वही रह गया है, लेके आ रहा है। डब्बा रह गया था, लेके आ रहा है। ये तो BS4 गाड़ी है, 4223 मॉडल। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हेलो गाइस, तो फैक्ट्री के पास पहुँच गए हैं, गेट पे है, एंट्री कर रहा है। ऑयल पर गया है एंट्री करने के लिए। वहाँ पे एंट्री हो रहा है, वहाँ से एंट्री हो जाएगा तो फिर इधर इस बाएँ तरफ होके जाना है अंदर, और वहाँ से लोड गाड़ी निकलता है। दाएँ तरफ रास्ते से लोड गाड़ी निकलता है और बाएँ तरफ से खाली हो जाता है, और वहाँ पे एंट्री हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा घर है, सिक्योरिटी गार्ड का घर है। एंट्री हो गया लगता है, एंट्री अभी गाड़ी घुसाएंगे। काल जहाँ पे लोडिंग हुआ था फिर से वहीं पे आए हैं, वहीं से लोडिंग होगा। लोडर अभी थोड़ा वहाँ कुछ काम करने गया है, गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। लोडर आएगा तो यहीं पे लोड होगा। आज कोई भी गाड़ी नहीं है आज, क्योंकि आने में लेट हो गया, यहाँ फैक्ट्री में घुसने में 12 बज गया था, इसलिए आज कोई गाड़ी नहीं है, सब गाड़ी लोड हो गया है। ये रहा हमारा गाड़ी, यही वाला माल लोड देगा। इस माल का वजन बहुत है, वो लोडर से चार बकेट माल देने से ही, 4-4.5 बकेट माल देने से हमारा माल हो जाता है, 28 टन 29 टन माल हो जाता है। चलिए देखते हैं कब तक लोडर आता है, फिर लोड करके निकलते हैं। बैठे हैं, अभी तक मैसेज आया नहीं, यहीं पे बैठे हैं। पता नहीं कब तक आएगा, बोला 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। बैठे हैं यहीं पे। ये माइंस पूरा एकदम पहाड़ के ऊपर है, ये थोड़ा नीचे का साइड में है अभी हम, लेकिन ऊपर पहाड़ है और उधर साइड में भी पहाड़ है, देख सकते हैं। और ये सब गाड़ी माइंस में चलता है, ये टाटा का गाड़ी है, 25-28 के। 25 का मतलब 25 टन पासिंग, और 28 का मतलब 280 हॉर्स पावर का इंजन है इसमें। और भी गाड़ी है, ये भारत बेंच का है, ये भारत बेंच का, ये भी 25-28 है, 6x4। इसमें भी देख सकते हैं 6x4 है इसमें भी, मतलब पीछे दोनों डिफेंस सेल है। इसमें 12 पीस का टायर लगाया हुआ है,
टायर का साइज इसमें बड़ा बड़ा रहता है, हम लोगों का जैसे 1020 का टायर रहता है, लेकिन इसमें 1020 का नहीं, इसमें 1220 का टायर रहता है, बड़ा वाला है, क्योंकि माइंस में चलता है, बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ता है, इसीलिए इसका इस गाड़ी का बात ही कुछ अलग है। इस सब गाड़ी का रेट भी थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्मल गाड़ी से इसका रेट मतलब 20-25 लाख तो ज़्यादा है ही है, और इसमें फीचर्स भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। और भी गाड़ियाँ है उधर, AMW का गाड़ी है, टाटा है उधर, और एक AMW का गाड़ी है। चलिए देखते हैं कब तक आता है मशीन। फ्रेंड्स मशीन आ गया है, लोडिंग हो रहा है, चलो फिर लोडिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इस मशीन का बम्पर देखे हो कितना बड़ा है, ठीक है। अभी अभी चालान मिला है, निकल रहा है फैक्ट्री से, वो लेट हो गया, 4 बज गया है, वो फैक्ट्री में वो मशीन ख़राब हो गया था, प्रिंटर मशीन, इसीलिए चालान नहीं निकला था, इसलिए लेट हो गया, निकल रहा है। तो होटल पे रुके थे खाना खाने के लिए, खाना हो गया, अभी निकलेंगे यहाँ से। सामने हो रहा होटल, निकलेंगे अभी यहाँ से खाना खाने। हेलो गाइस, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग बैंगलोर में घुस चुके हैं, बैंगलोर में हम आगे हैं, जो हम लोग का यहाँ पे जो है NDI टूर है वही पार किए हैं, पीछे लाइट दिख रहा है और ये NDI टोल है, यहाँ से और 20 किलोमीटर ऐसे कुछ बाकी है, ठीक है चलते रहते हैं। हेलो गाइस, फैक्ट्री तो पहुँच गया है, पाँच बजे पहुँच गए थे यहाँ पर, लेकिन गाड़ी खाली नहीं हुआ, गाड़ी बहुत गाड़ी है, मेरा आगे बहुत गाड़ी है, पहला दिन लेकिन इतना गाड़ी नहीं था, आज इतना गाड़ी चला, कहाँ से आ गए क्या मालूम, देख सकते हैं आज बहुत सारा गाड़ी आया है, इधर भी गाड़ी खड़ा है, उधर भी गाड़ी खड़ा है, और भी गाड़ियाँ है, उस साइड भी गाड़ियाँ है, लेकिन उस दिन पहले दिन आया था उस दिन उतना गाड़ी नहीं था, उस दिन तो उतना गाड़ी नहीं था, आया समय से मतलब आगे खाली करके चले गए, लेकिन आज तो आज लेट होगा, कब खाली होगा मालूम नहीं है, देखते हैं कब तक खाली होता है। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस ब्लॉग पर एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पर।